पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पूरी तरह से फंस गई हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसे सुनकर आप हिल जाएंगे। सीमा हैदर अब लगातार अपने बयान बदल रही हैं। इसके अलावा मोबाइल डेटा भी डिलीट किया गया है। तो क्या सच में ये कोई पाकिस्तानी साजिश है? क्या सच में सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस हैं जो साजिश के तहत भारत आई हैं? चलिए इस वीडियो में इस पूरे मामले की पड़ताल करते हैं कि आखिर सीमा हैदर अपने ही बनाए जाल में कैसे फंस गई और अब आईबी को क्यों जांच सौंप दी गई है। सीमा हैदर उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS और केंद्रीय खुफिया एजेंसी के सवालों में बुरी तरह से फंसती जा रही हैं। ATS ने सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल से सोमवार को 9 घंटे तक पूछताछ की थी। मंगलवार को फिर से ATS ने सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ की। पूछताछ में सीमा हैदर के पाकिस्तान से दुबई जाने और फिर नेपाल के रास्ते भारत में आने को लेकर किए गए दावों की पोल पूछताछ में ही खुल रही है। ATS की पूछताछ के बाद मंगलवार को सीमा से आईबी और रॉ के अफसरों ने उसके पाकिस्तानी सेना में तैनात परिजनों के बारे में पूछा। इस सवाल पर घबरा गई सीमा और अपना बयान बदलने लगी। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के नोएडा स्थित रबुपुरा गांव तक पहुंचने में किन किन लोगों ने मदद की, इसको लेकर सीमा सही जवाब नहीं दे रही हैं। सीमा हैदर के पास मिले मोबाइल का डेटा भी नष्ट होने के सबूत मिले हैं। वहीं सीमा हैदर के दो पासपोर्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सीमा के एक पासपोर्ट में उसकी जन्मतिथि के अनुसार उसकी उम्र 21 वर्ष की है। इसे देखकर अधिकारी भी हैरान हैं। आशंका जताई जा रही है कि सीमा हैदर किसी सुनियोजित साजिश के तहत हिंदुस्तान आई हैं। यही वजह है कि अब आईबी ने अपनी जांच तेज कर दी है। आईबी की एक टीम नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गई है। यहां उस होटल के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं जहां सीमा और सचिन करीब एक हफ्ते तक रुके थे। इसके अलावा ट्रैवल एजेंसी से भी पूछताछ हो रही है जिस बस में सवार होकर सीमा नेपाल से नोएडा पहुंची थी। अब जांच एजेंसियों के द्वारा एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीमा ने किसी तीसरे की मदद से भारतीय सीमा को पार किया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक सीमा ने अपना ड्रेस अप इस तरीके से किया कि वे एक ग्रामीण भारतीय महिला लगे। सीमा को इस तरह से तैयार करने के लिए पेशेवर लोगों की मदद ली गई थी। साथ ही साथ उसने अपने बच्चों का भी ड्रेस अप ऐसे ही किया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसा तरीका अक्सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समय इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि सीमा और सचिन की मुलाकात पबजी खेलते हुए हुई थी। ये मुलाकात कुछ ही दिनों में इश्क में बदल गई। कोरोना काल में वीडियो कॉलिंग के जरिए नजदीकियां बढ़ी। इश्क ऐसा परवान चढ़ा कि सीमा हैदर पहले दुबई फिर नेपाल होते हुए इसी साल 13 मई को ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव आ पहुंची। वो अपने चार बच्चों को भी साथ लाई हैं, लेकिन अब सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक है और फिलहाल खुफिया एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हुई हैं। अब आगे इसमें और क्या क्या खुलासे होते हैं इन्हें लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24।